பாப்பா வந்து பேரானியா தோர்னாரு பாப்பா பாக்கு आप देख सकते हैं हम इस वक्त सिंघू बॉर्डर पर हैं। सिंघू बॉर्डर पर दिल्ली पुलिस के द्वारा बैरिकेडिंग करने की कोशिश की गई है। तो जो प्रदर्शनकारी किसान हैं उनके द्वारा बोला गया था कि जो दूध सब्जियां और फल है और इमरजेंसी सेवाएं हैं वो हम चालू रखेंगे, पर दिल्ली पुलिस के द्वारा जो बैरिकेडिंग की गई तो फिर जो प्रदर्शनकारी थे उन्होंने पुलिस को बोला कि आप हटा दीजिए। तो दिल्ली पुलिस ने भी बात उनकी सुन ली है। तो पर यहाँ पर विवाद की स्थिति एक बार खड़ी करने की कोशिश करनी गई है करने की कोशिश की गई है। आप देख सकते हैं लोग कैसे विरोध कर रहे हैं यहाँ पर दिल्ली पुलिस का और केंद्र सरकार का। जो तीन कृषि बिलों को लेकर यहाँ पर प्रदर्शन चल रहा है सिंघू बॉर्डर से, आप लोग देख रहे हैं किस तरह लोग बैरिकेडिंग करने का विरोध कर रहे हैं यहाँ पर सिंघू बॉर्डर पर। आप देख सकते हैं दिल्ली पुलिस के जवान लगे हुए हैं, वो ऑफिसर खड़े हुए हैं। तो यहाँ पर बैरिकेडिंग करने की कोशिश की गई है, इसीलिए ये जो प्रदर्शन कर रहे हैं किसान वो विरोध कर रहे हैं। आप देख सकते हैं किस तरह से ये बैरिकेडिंग की गई है और लोग विरोध कर रहे हैं। पीछे ला दो उसको, पीछे लगाओ उसको, पीछे लगा दो, हाँ उधर से लगा दो, उधर से आप रहता बार भी ऐसा बात कीजिए। आग आग देखो आप ऐसा करते हैं ना तो हमारा झूठ भी ऐसे भाग पड़ता है। इतना रास्ता रहने में कोई हमारा हमारी बात सुने ना, जितना जितना रास्ता पड़ा है ना इतना आगे कुछ मत, आगे कुछ मत करना। देखो आगे बाकी ये गल नहीं, जे रोका ला भी लेंगे ना भावे पार्क ले आन जदों आपां जाना है चले जाना। हाँ क्या क्या मामला था, क्या डिटेल में बताएंगे सर आप? कोई बात नहीं, मैं राणा रणवीर सिंह सेक्रेटरी अपना किसान मजदूर संघर्ष कमेटी का जी। वो ऐसे ना जो जब हलचल पुलिस करती है तो हमारा जू था वो उसको भी गुस्सा आ जाता है। वो कोई बात नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, और दोनों तरह को हमने समझा दिया है। वो भी ठीक है, वो भी ठीक है, कोई बात नहीं, ऐसी कोई बात नहीं।